अस्सलाम कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लाई हूँ, मज़ेदार सी कद्दू गोश्त की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही मज़ेदार कद्दू गोश्त का सालन जो है टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो इस मज़ेदार से कद्दू गोश्त की रेसिपी को कैसे बनाना है, झटपट से ये बनकर तैयार हो गया है, तो चलिए इसको जल्दी से झटपट से बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कद्दू गोश्त जो है वो बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने जो है ना तीन जो है प्याज ले लिए थे मीडियम साइज़ के, और उसमें मैंने 1.5 चम्मच जो है वो ऑयल का शामिल कर लिया है। तो ऑयल का शामिल कर लिया तो अब इसमें जो जो चीज़ें डालनी है, जो जो चीज़ें शामिल होनी है वो मैं साथ साथ बताऊँगी। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी के साथ जुड़े रहिए। तो देखिए प्याजों ने अपना कलर जो है वो चेंज कर दिया है काफ़ी। तो अब इसमें जो खड़े गर्म मसाले वो शामिल कर लेते हैं। तो जिसमें मैंने 1 टीस्पून इसमें जो है ना सफेद जीरा ले लिया है, और एक मैंने जो है ना दालचीनी का टुकड़ा ले लिया जिसको छोटे टुकड़ों में कर लिया। 2 मैंने बड़ी इलायची ले ली है, 4 से 5 मैंने लौंग ले लिए हैं, और 1 छोटी इलायची ले ली है। 4 मैंने दाने जो है 4 से 5 दाने मैंने काली मिर्च के ले लिए हैं साबित, और इसमें मैंने जावित्री और जायफल के टुकड़े ले लिए हैं। तो इन सब चीज़ों को शामिल कर देंगे। तो शामिल करके अच्छी तरीके से 1 मिनट तक इसको रोस्ट कर लेना है हमने। तो चलिए 1 मिनट हो चुका है। तो अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 1 चम्मच मैंने ले लिया है, तो इसको भी अच्छी तरीके से शामिल कर देंगे हम। इसको भी 1 से 2 मिनट बनाई कर लेनी है इसकी। तो चलिए 1.5 मिनट हो चुका है लहसुन अदरक के पेस्ट को भी, उसकी भी अच्छी तरीके से बनाई हो चुकी है। तो अब जो इसमें चीज़ हमने शामिल करनी है, तो वो क्या शामिल करना है, वो मटन है मेरे पास जो 1 किलो है, 1 किलो ही मेरे पास कद्दू है। तो इसको शामिल कर देंगे अच्छी तरीके से, मैंने धो के रख लिया है। इसको सारा शामिल कर देंगे वॉश कर। चलिए मटन को शामिल कर लिया गोश्त को। तो इसमें अब इसका कलर जो है वो सफ़ेद हो गया, चेंज हो गया। तो अब इसमें जो चीज़ मैंने शामिल करनी है वो मेरे पास है, 1 मैंने बड़े साइज का टमाटर ले लिया है, 2 से 3 मैंने सब्ज़ी मिर्चें ले ली हैं कट कर ली है बड़ी, उनको भी शामिल कर देंगे। और इनकी अच्छी तरीके से हमने बनाई कर लेनी है। और सब्ज़ी मिर्चों को भी अच्छी तरीके से बनाई हो चुकी है। तो अब इसकी स्पाइसी शामिल कर लेंगे। तो स्पाइसी में मैंने जो है ना 1.5 टीस्पून इसमें मैंने सिर्फ मिर्च का पाउडर ले लिया है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ले लिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने कुछ धनिया पाउडर ले लिया है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर ले लिया है, और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है। आप कुटी हुई सूखी मिर्च जो है वो भी शामिल कर सकते हैं। तो नमक और मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं, जैसे आप अपना खाना पसंद करना करें। तो अब इसकी भी अच्छी तरीके से बनाई कर लेनी हमने। 3 मिनट हो चुके हैं, स्पाइसी को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है। तो अब इसमें 1 कटोरी मैंने दही की ले ली है, तो इसको भी शामिल कर देंगे। तो दही को शाम डाल के भी हमने 2 से 3 मिनट तक इसकी भी बनाई कर लेनी है अच्छी तरीके से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा काइंडली शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरी वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, इसकी बिल्कुल नहीं करना। दही डाल के भी अच्छी तरीके से हमारे गोश्त की मटन की बनाई हो चुकी है। 2 से 3 मिनट तक मैंने बनाई कर ली है, बनाई बहुत ज़रूरी है। तो बनाई आप जो है ना लाजमन अच्छी तरह कीजिएगा। और आप जो मैंने 1 किलो कद्दू ले लिया था इसको ऐसा कट कर लिया है, तो घिया कद्दू जो होता है वो है, तो इसको भी शामिल कर देंगे। बड़ा ही मज़ेदार और लजीज माशाल्लाह से सालन बनकर इसका तैयार होता है। तो अब इसकी तो आप कद्दू को भी शामिल करके हमने अच्छी तरीके से बनाई कर लेनी है इसकी भी। 4 से 5 मिनट तक हम इसकी भी बनाई करेंगे। ये देखिए मैंने इसकी 10 से 12 मिनट तक कद्दू डाल के बनाई की, क्योंकि कद्दू ने जो पानी छोड़ा था वो पानी अब खुश्क हो चुका है। तो 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरीके से मैंने इसकी बनाई कर ली है। तो अब इसमें पानी शामिल करूँगी, मैं पानी कितना शामिल करना वो भी बताती हूँ। तो एक होता है शोरबे वाला ये, तो एक होता है भुना हुआ। तो मैं थोड़ी थोड़ी ग्रेवी रखूँगी, बस ज़्यादा नहीं रखनी, तो जस्ट थोड़ी थोड़ी रखनी है, क्योंकि वेट भी लगना है। 14 से 15 मिनट इसका वेट लगाना है मैंने, उसमें भी पानी हमारा खुश्क होना है, तो उस हिसाब से पानी डालना है कितना डालना है। तो पानी इसमें मैंने 1 लीटर शामिल किया है, तो 1 लीटर पानी शामिल किया है। तो अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके तो मैं वेट लगा दूंगी, और इसमें मैं जो है ना 3 मिर्चें जो है साबुत ऐसे ही डाल दूंगी। तो अब इसको मैं वेट लगा लूंगी। तो अब इसको वेट लगा दिया है, तो वेट इसको हमने 13 से 14 मिनट तक लगाना है, तो गोश्त गलने तक। उसके बाद की कंडीशन में आपको दिखाऊंगी, तो प्लीज़ रेसिपी के साथ जुड़े रहिए। 13 से 14 मिनट हो चुके हैं सालन को पकते हुए, अब माशाल्लाह से तैयार है। जितनी ग्रेवी हमें चाहिए उतनी बन चुकी है। तो अब इसमें 1/2 टीस्पून मैं गर्म मसाला पाउडर शामिल करूँगी, और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने जो है ना खुशक कसूरी मेथी का पाउडर जो है ना खुशक कसूरी मेथी वो शामिल कर दूंगी। तो आप चाहे तो अगर आपके पास स्टेज पर सब्ज़ धनिया है तो आप ढेर सारा सब्ज़ धनिया भी शामिल कर सकते हैं। तो मेरे पास सब्ज़ धनिया नहीं है। तो अब ये सालन माशाल्लाह से हमारा रेडी है, तो अब इसे डिश आउट कर लेंगे। अब इसे सालन को मज़ेदार सा सालन जो है ना कद्दू गोश्त का बन चुका है, तो अब इसे डिश आउट कर लेंगे।
माशाल्लाह से बड़ा ही जबरदस्त हमारा कद्दू गोश्त का सालन बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही जबरदस्त बना है कद्दू गोश्त ग्रेवी सालन। तो आप इसे चपाती के साथ तनावल फरमाए, रोटी के साथ या नान के साथ, किसी भी चीज के साथ आप खाएंगे। बड़ा ही मजेदार बना है, लजीज बना है। तो खुद भी बनाए, इंजॉय करें, फैमिली को भी इंजॉय कराएं। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये आज की कद्दू गोश्त की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपको अगली मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।